بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Dear children, assalamu alaikum. Standard 2nd, subject English. Today's topic is lesson number 1.7. Let's speak. Let's speak. Open your textbook at page number 13. Lesson number 1.7. Let's speak. Let's speak. Listen and repeat and try to understand it. Okay? Listen and repeat. Ashwini, may I go out to play? May I go to play? Yes, you may. Ashwini, may I go out to play? Yes, you may. इस लेसन में फाइव कन्वर्सेशन आए हैं। अश्विनी जो है वो अपने मम्मी से क्वेश्चन कर रही है, जब आपको कुछ पूछना हो तो आप भी मे आई का यूज़ कीजिए। देखो कितनी अच्छी बच्ची है, कोई भी काम करने से पहले अपनी मम्मी की परमिशन ले रही है, आगे इसमें वो अपने पापा की परमिशन लेगी और मे आई का यूज़ कर रही है। आपने भी इस लेसन को अच्छे से सुनना है और अश्विनी से सीखना है। अश्विनी इज़ आस्किंग हर मदर लेट हर टू गो आउट टू प्ले। अश्विनी क्या पूछ रही है अपनी मम्मी से, आई मतलब मदर, आई मीन्स मदर, मम्मी। अश्विनी क्या पूछ रही है अपनी मम्मी से, मे आई गो आउट टू प्ले? आई सेज यस यू मे। यानी वो कितनी अच्छी बच्ची है, बाहर खेलने जाने से पहले अपनी मम्मी से परमिशन दे रही है, पूछ रही है मे आई गो आउट टू प्ले, तो फिर मम्मी क्या कह रही है उसकी, यस। इन दिस पिक्चर अश्विनी अपने बाबा के साथ बैठी है, मतलब अपने पापा के साथ बैठी है और वो अपने पापा से कुछ पूछ रही है, कुछ परमिशन मांग रही है। क्या परमिशन मांग रही है, आइए हम रीडिंग करते हैं। अश्विनी, बाबा आई वॉन्ट टू ईट अ पीस ऑफ केक, मे आई? क्या पूछ रही है अश्विनी अपने बाबा से, बाबा आई वॉन्ट टू ईट, वॉन्ट मतलब चाहना, टू ईट खाने के लिए, पीस टुकड़ा, ऑफ केक केक का टुकड़ा, क्या मैं एक केक का पीस खा सकती हूँ, वो अपने फादर से पूछ रही है। अश्विनी क्या पूछ रही है अपने फादर से, बाबा यानी पापा आई वॉन्ट टू ईट अ पीस ऑफ केक, मे आई? मैं एक केक का पीस खाना चाहती हूँ, क्या मैं खा सकती हूँ। देखो कितनी अच्छी बच्ची है, अपने मन से नहीं कर रही है, अपने पापा से परमिशन दे रही है। अब देखो उसके पापा क्या बोल रहे हैं, बाबा, पापा मीन्स बाबा, यस यू मे बट आफ्टर डिनर एंड देन ब्रश योर टीथ, यस यू मे बट आफ्टर डिनर एंड देन ब्रश योर टीथ। अश्विनी सेज ओके पापा, अश्विनी सेज ओके बाबा, मतलब ओके पापा। उसके पापा ने क्या कहा, हाँ लेकिन यू मे, हाँ तुम खा सकती हो, लेकिन बट मतलब लेकिन, आफ्टर बाद में, डिनर के बाद में, आफ्टर डिनर, यानी पहले अश्विनी तुम्हें अपना डिनर खाना है, उसके बाद तुम ये एक पीस खा सकती हो, केक का वन पीस खा सकती हो, एंड आफ्टर डैट आपको क्या करना है, वो अश्विनी के पापा सब क्या कह रहे हैं कि देन ब्रश योर टीथ, उसके बाद तुम अपने टीथ को ब्रश करोगी, ब्रशिंग करना है बिफोर गोइंग टू बेड। तो अश्विनी कितनी अच्छी बच्ची है, उसने अपने पापा की बात मान ली कि मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं डिनर के बाद खाऊंगी, ऐसे उसने अपने पापा को ओके कहा है। देखो कितनी अच्छी बच्ची है। इस पिक्चर में अश्विनी कहाँ है, वो एक जू के काउंटर पर खड़ी है, एक अंकल है जू पर, जू के काउंटर पे, उनसे वो टिकट मांग रही है। जू वो प्लेस होती है बच्चों जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वहाँ जाने के लिए, एनिमल्स को देखने के लिए हमें
टिकट लेने की ज़रूरत होती है। टिकट लेकर हम जब अंदर जाते हैं तो हमको बहुत सारे एनिमल्स को देखने का मौका मिलता है। तो वो वहाँ गई है जू पर, और वहाँ पर वो क्या कर रही है, टिकट सेलर के पास वहाँ बात कर रही है। क्या पूछ रही है वो टिकट सेलर से, चलिए देखते हैं। तो वो क्या पूछ रही है, मे आई हैव टू टिकट्स प्लीज़। कैसे पूछ रही है, मे आई हैव टू टिकट्स प्लीज़, क्या मुझे दो टिकट मिल सकती है। तो टिकट सेलर उनको क्या कह रहा है, यस यू मे, उनके पास टिकट है। तो वो क्या कह रहे हैं, यस यू मे, हेयर दे आर, देखो ये है। और वो अंकल, टिकट सेलर अंकल उसे टिकट देते हैं। अब अगर इस पिक्चर में, इस एक्टिविटी में अश्विनी की जगह कोई और गर्ल होती, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मोहिनी, इस लेसन में मोहिनी है, लुक मोहिनी, मोहिनी इज आस्किंग टू टिकट सेलर, मे आई हैव टू टिकट्स प्लीज़, क्या मैं दो टिकट्स खरीद सकती हूँ, क्या मुझे दो टिकट्स मिलेंगी, मे आई हैव टू टिकट्स प्लीज़, क्या आप मुझे दो टिकट दे सकते हो। तो टिकट सेलर क्या बोल रहे हैं, यस यू मे, हाँ आपको मिल सकती है, हेयर दे आर, ये है यहाँ पर। देखो दिखाई दिया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस पिक्चर में टू गर्ल्स हैं, टू स्कूल गर्ल्स, वन इज टीना एंड सेकेंड इज रीना। तो टीना और रीना क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। अब उनकी हम कन्वर्सेशन पढ़ते हैं। ओके, टीना सेज, मे आई बोरो यूर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल कुछ वक्त के लिए ले सकती हूँ। बोरो मतलब उधार लेना, यहाँ पे वो बच्ची कह रही है कि मुझे कुछ देर के लिए आपकी पेंसिल मिल सकती है, मुझे ज़रूरत है। तो टीना सेज, मे आई बोरो यूर पेंसिल, कुछ वक्त के लिए मुझे आपकी पेंसिल मिल सकती है। कितने अच्छे से परमिशन मांग रही है ना, कितने अच्छे से पूछ रही है उसको। रीना, अब रीना उसको आंसर दे रही है, यस श्योर हियर इट इज़, यस श्योर हियर इट इज़, कि हाँ ये है लो। तो टीना उसको क्या रिप्लाई कर रही है, थैंक यू रीना। टीना उसको क्या रिप्लाई कर रही है, थैंक यू रीना। लास्ट पिक्चर में एक बच्चा है और एक गार्डनर है। जो बच्चा है उसका नेम है श्याम। श्याम जो है वो एक बहुत शरारती बच्चा है, नॉटी सा है, उसे चाहिए फ्लावर्स। तो देखिए वो इस गार्डनर से कैसे कन्वर्सेशन करता है, कैसे सवाल करता है, कैसे पूछता है। अब श्याम जो है वो पूछ रहा है, मे आई प्लग दीज फ्लावर्स, मे आई प्लग दीज फ्लावर्स। वो बहुत नॉटी सा बच्चा है, वो फ्लावर तोड़ना चाहता है, उसे वो फ्लावर चाहिए। तो वो कैसे परमिशन मांग रहा है, मे आई प्लग दीज फ्लावर। वो गार्डनर को क्या कह रहा है, मे आई प्लग दिस फ्लावर। तो गार्डनर क्या कह रहा है, सॉरी यू मे नॉट, नहीं फूल नहीं तोड़ सकते तुम, यानी फूल तोड़ने की उसको उस गार्डनर ने इजाज़त नहीं दी। वैसे भी बच्चों फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है, फूल जो है वो प्लांट पर ही अच्छे लगते हैं। प्लक मतलब तोड़ना, प्लक मतलब तोड़ना। इस लेसन में लेट्स स्पीक, इस लेसन में हमने फाइव कन्वर्सेशन को पढ़ा। फाइव कन्वर्सेशन जो अलग अलग बच्चों ने की वो हमने रीड की। तो आपको ये लेसन रीड करना है, फाइव टाइम रीड करना है। उसके बाद बच्चों आपको ये लेसन इनेक्ट करना है, आप अपनी मम्मी के साथ इन डायलॉग्स को बोलो, इस लेसन को इनेक्ट करो। डिफरेंट जो सिचुएशन आई है इसमें, डिफरेंट जो कन्वर्सेशंस आई है वो आप इनेक्ट करो, ताकि आपको अच्छे से ये लर्न हो जाए। इस लेसन में हमने मे आई यानी पूछा, जब हम किसी से कुछ मांग रहे हैं या कुछ हमें कुछ चाहिए तो हम क्या काय का यूज़ कर रहे हैं, हम मे आई का यूज़ कर रहे हैं। जब भी बच्चों आपको कुछ पूछना हो तो आप मे आई का यूज़ करिए, जैसे हमने इस लेसन में सीखा है। जैसे आप नॉर्मली भी टीचर को पूछते हो मे आई ड्रिंक वाटर, तो ऐसे आप डिफरेंट कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके।
अल्लाह हाफिज़।